यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक और मैं हूँ आपके साथ अवंतिका यादव। देश का दिल कही जाने वाली राजधानी दिल्ली में इन दिनों धरना कंपटीशन चल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। विपक्ष सरकार पर काम ना करने का आरोप लगा रहा है और सरकार LG और केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है, और इन सब के बीच अधिकारियों का ये आरोप है कि उन्हें सियासी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों धरनों का मौसम चल रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कुछ साथी मंत्रियों के साथ उपराज्यपाल के घर धरने पर बैठे हैं, तो वही दिल्ली BJP के नेता CM साहब के यहाँ धरना दे रहे हैं। धरनों के इस दौर में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस हड़ताल पे ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर बैठक बुलाई और IAS अधिकारियों को लेकर उनके सुर में कुछ नरमी दिखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक अच्छा कदम बढ़ाया है, IAS अधिकारियों के लिए उन्होंने पत्र लिखकर ये कहा है कि वो उनके परिवार के सदस्य हैं। सभी IAS अधिकारियों को अपने परिवार का सदस्य माना है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि उनके रहते हुए उनको अपनी सुरक्षा की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार हर प्रकार की सुरक्षा IAS अधिकारियों को प्रदान करेंगे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही उनकी ओर से नहीं बरती जाएगी। दिल्ली में धरना पॉलिटिक्स पर आम आदमी पार्टी को शिवसेना ने समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में लोकतंत्र को खतरे में बता रही है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई राजनीतिक दलों ने भी समर्थन दिया है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने आगे बढ़कर अधिकारियों से एक कदम आगे बढ़ाने का निवेदन किया है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। दिल्ली की 2.25 करोड़ जनता के हित में और जितने भी काम अब तक बाधित हुए हैं उन सब को देखते हुए एक अच्छी पहल, एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा कदम दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा उठाया गया है। अब जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, LG की और IAS एसोसिएशन की बनती है कि वो भी 2 कदम आगे बढ़े दिल्ली की जनता के हित में। जो भी काम बाधित हैं, CCTV के हों, राशन के हों, डेंगू को लेकर हो या एयर पोल्यूशन को लेकर हो, स्कूलों को लेकर हो या मिड डे मील को लेकर हो, जितने भी काम हमारे बाधित हैं उसको देखते हुए वो अपनी हड़ताल को खत्म कर। धरनों और सियासत के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, हम समझ नहीं पा रहे कि ये धरना है या हड़ताल और क्या इसकी कोई इजाजत ली गई या खुद ही फैसला कर लिया गया। कोर्ट ने पूछा कि अगर यह खुद व्यक्तिगत रूप से तय किया गया फैसला है तो ये LG के घर के बाहर होना चाहिए था। क्या LG के घर के अंदर ये धरना करने के लिए इजाजत ली गई? कोर्ट ने ये भी कहा कि आप कैसे किसी के घर या दफ्तर में जाकर हड़ताल पर बैठ सकते हैं। वहीं सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय ने कोर्ट को बताया कि IAS ऑफिसर्स हड़ताल पर नहीं है। अब मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। बार बार एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये लोग स्ट्राइक पे हैं, और उनमें भी ये नहीं कहा जा रहा है कि कौन लोग स्ट्राइक पे हैं। शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है IAS अफसर स्ट्राइक पे हैं। अब IAS अफसर क्यों स्ट्राइक पे हैं, आपको उसकी बैकग्राउंड में तो जाना ही पड़ेगा। आप दिल्ली के मुख्य सेक्रेटरी को आधी रात को घर पर बुला के अगर पीट देंगे और उसकी अगर सपोर्ट में, सिंपथी में उसके साथी जो उसके ही IAS बिरादरी के हैं, अगर वो ये तय कर लेते हैं कि आज से बाद हम किसी मंत्री के पास में नहीं जाएंगे, जो बात करनी है लिख के करो, तो इसको आप स्ट्राइक कैसे कह सकते हैं? जबकि वो रोज़ दफ्तर जा रहे हैं, रोज़ फाइलें साइन कर रहे हैं, रोज़ इंस्पेक्शन कर रहे हैं, रोज़ विभागीय मीटिंगें कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों धरने पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री खुद स्वास्थ्य लाभ करने के लिए हॉस्पिटल में हैं। जनता पानी और बिजली के लिए परेशान है। पिछले दिनों पूरी दिल्ली प्रदूषण के चादर में लिपटी रही और आगे मानसून दस्तक देने वाला है, जिसके साथ ही डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया का खतरा भी देश की राजधानी पर मंडरा रहा है।
अब ऐसे में सिस्टम कौन ठीक करेगा जब साहब और साहब के मातहतों के बीच ही बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो एक और जहां हड़ताल चल रही है, धरना चल रहा है दोनों तरफ से, केजरीवाल की ओर से और साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से, जो कि दिल्ली सरकार है उसकी ओर से धरना दिया जा रहा है एलजी के दफ्तर के अंदर, घर के अंदर, तो वहीं पर बीजेपी की ओर से भी धरना दिया जा रहा है सीएम ऑफिस में। तो वहीं इन सब के बीच कल दिल्ली में आईएएस एसोसिएशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और दावा किया था कि वो हड़ताल पर नहीं है। एक बार आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा था। That we are striking work, we are working on somebody's behest. So we are here to clarify our stand. First of all, I would like to inform all of you, we are not on strike. The misinformation which is being spread that Admut Kadar IAS officers are on strike in Delhi is completely false, baseless and malicious. We are all at work, we are in our offices. हम सारी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, हम जितने पब्लिक इंस्पेक्शंस हैं वो कर रहे हैं, जितना काम जिस मौसम में जैसा जैसा जिस विभाग का होता है हर विभाग अपना काम कर रहा है। पूरे देश में आईएएस ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हैं, सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं, लेकिन आईएएस ऑफिसर्स हर सरकार के साथ, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करती हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, वो उनके साथ उतने ही डेडिकेशन से काम करते हैं, उनकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो इवन इन दिल्ली, वेदर इट इज एनी गवर्नमेंट, एनी पॉलिटिकल पार्टी, वी हैव बीन वर्किंग विद अटमोस्ट डेडिकेशन एंड वी हैव नेवर एवर बीन रिक्वायर्ड टू कम आउट इन द ओपन लाइक दिस एंड क्लैरिफाई आवर स्टैंड। हमने इस तरह से कभी भी नहीं सोचा था नौकरी ज्वाइन करते वक्त कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना स्टैंड इस तरह क्लैरिफाई करना पड़ेगा, लेकिन हम कम्प्लीटली न्यूट्रल हैं, हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, हम सिर्फ कानून और संविधान के हिसाब से काम करते हैं। वी आर आंसरेबल ओनली टू द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज सिविल सर्वेंट इट इज़ आर ड्यूटी दैट व्हेनेवर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज लाइक यू नो आस्किंग अस टू डू समथिंग रॉन्ग, वी ब्रिंग टू देयर नोटिस दैट दिस इज नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। दिल्ली की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है इट इज वेरी डिफरेंट from the rest of the country. Delhi has a very unique position. It is something on which we have no control. We are required to work as per the constitutional scheme of things. So that we are doing with utmost dedication, utmost sincerity. तो आईएएस एसोसिएशन का ये कहना है कि वो हड़ताल पर नहीं है, वो तो लगातार काम कर रहे हैं। और दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार का कहना है कि रूटीन मीटिंग में आईएएस अधिकारी नहीं आ रहे हैं, जिससे कि उनको काम करने में परेशानियां हो रही है। लेकिन दूसरी ओर ये भी देखिए कि आम जनता यानी कि दिल्ली की जनता इसमें पिस रही है, कई काम रुके हुए हैं और इसी का हवाला दिया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम तारुफ करवा देते हैं, परिचय करवा देते हैं आज मेहमानों का। हमारे साथ जुड़े हैं प्रवक्ता बीजेपी डॉक्टर आनंद सहरिया, इनेलो से रविंद्र ढूल, कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज पुनिया, आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे योगेश्वर शर्मा, इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता आईपीएस कोहली साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल कोहली साहब आपसे होगा, हाईकोर्ट ने ये पूछा है, अरविंद केजरीवाल को कहा है कि किसने आपको अधिकार दिया इस तरह से आप किसी के दफ्तर में जाके धरना देते हैं, कानूनी तौर पर देखें तो कितना सही और कितना गलत है? देखिए, कानून जो कहता है आर्टिकल 19(1)(b) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये प्रोवाइड करता है एक राइट हर सिटीजन ऑफ कंट्री को है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, जिसे हम धरना कहते हैं जी। वो राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, बट इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे। उसी कानून के अंदर ये लिखा गया है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को लगाकर ही वो काम कर सकते हैं। धरना की जो डेफिनेशन है वो भी यही है, अ मोड ऑफ कंपेलिंग पेमेंट और कंप्लायंस बाय सिटिंग एट द डेटर्स और ऑफेंडर्स डोर अंटिल द डिमांड इज कंप्लाइड। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी के दफ्तर या किसी के घर में जाकर आप धरना नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, धरने का राइट है लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ। यानी घर के बाहर आप दे सकते हैं, घर के अंदर जो है जबरदस्ती घुसकर नहीं। किसी के घर में भी, चाहे वो मेरा घर है चाहे आपका घर है, किसी में भी कोई जबरदस्ती घुस नहीं सकता। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह रहेगी क्या वो जबरदस्ती घुसे, क्योंकि जो मुझे पता है, जो मीडिया न्यूज से हमें पता है, वो ये है कि एलजी साहब से मिलने का टाइम मांगा गया, मिलने के लिए अंदर बुलाया गया दफ्तर में, उसके बाद वो बाहर नहीं आए। अब वो मिले हैं नहीं मिले हैं, विद परमिशन अंदर गए हैं विदाउट परमिशन अंदर गए हैं,
क्योंकि अगर विदाउट परमिशन अंदर गए हैं तो सिर्फ यही नहीं, काफी और राइट्स भी हैं एलजी साहब के जी। चलिए इसको भी जानेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी इस वक्त जुड़ गए हैं चर्चा में, हमारे साथ योगेश्वर जी मौजूद हैं। योगेश्वर जी, हाईकोर्ट ने पूछा है किसी के घर में कैसे जबरदस्ती आप बैठ सकते हैं धरने पर। देखिए, पहली बात तो धरना सोच के तो नहीं गए थे, मिलने के लिए गए थे, उनसे समय मांगने गए थे। कंटिन्यूस कॉरेस्पोंडेंस उनसे चल रहा था कि आप ये आईएएस के ऑफिसर्स की जो स्ट्राइक है उसको खत्म कराएं, उनको काम पे आने के लिए बोले। जब 3-4 महीने से हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला, एंड एवरी वीक व्हेन द एलजी वाज सेइंग कि नेक्स्ट एक हफ्ता दीजिए, और जब वो हफ्ता खत्म ही नहीं हुआ तो हमें वहां बैठना पड़ा। उस दिन भी जब मिलने गए तो ही सेड गिव मी सम टाइम, तो उन्होंने कहा ठीक है हम बैठे हैं, आप जितना टाइम लेना लीजिए, हम आपके पास वेट करते हैं यहाँ पे। It wasn't expected कि वो 6 दिन लगा देंगे और आने का। ऑफिसर्स की जो स्ट्राइक थी वो खत्म नहीं हो रही थी, 5-6 महीने इंतजार किया। Exactly. लेकिन आईएएस ऑफिसर्स की हमने बाइट सुनवाई, वो कहते हैं हम तो हड़ताल पर ही नहीं है। यही तो वो है, यही तो एक गेम प्लान है जो सरकार को फ्लॉप करने के लिए किया जा रहा है। किसका गेम प्लान? बीजेपी सेंटर किसका गेम प्लान है? मोदी जी का स्ट्रेट वे, हम स्ट्रेट वे कहते हैं। बीजेपी सरकार का ये गेम प्लान है कि दिल्ली की सरकार को काम न करने दिया जाए। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जिस हिसाब से काम हो रहे हैं वो घबराए हुए हैं। देश का प्रधानमंत्री, देश के एक चीफ मिनिस्टर से घबराया हुआ है। आप इसको केंद्र पर डालते हैं, आपको ये नहीं लगता है कि जो अंशु प्रकाश के साथ हुआ उस दिन सीएम हाउस पर, उसके बाद में स्ट्राइक और सबने जो स्टैंड दिया है, सावरिया साहब? देखिए जी, जी अभी मेरे साथी से मैंने सुना और हास्यास्पद उनका स्टेटमेंट है कि मोदी जी इनको नहीं करने देते। मैं बता देना चाहता हूं कि कोई भी इमारत बगैर पक्की नींव के अगर बनाई जाएगी ऐसे ही भड़बड़ा के गिरेगी। कोई भी राजनीतिक पार्टी बगैर नियत, बगैर नीति, बगैर संस्कार के अगर खड़ी होगी तो यही हाल होगा जो आज आम आदमी पार्टी का हुआ है। अब मैं लाके विधानसभा में सुनने की बात, 8% लाके आप बोलिए, अगर ये कहते हैं कि हमारी हिसाबर की नहीं है तो बड़ी ही शर्म की बात है। योगेश्वर जी एक पहली बार हिस्ट्री में एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, जो कि ठीक है वो किस तरह से आए थे वो सबको पता है कि वो हड़ताल के द्वारा आए थे, 3 बार अपनी सरकार में वो स्ट्राइक पे जाते हैं। क्योंकि अब इनका कभी, अच्छा मुद्दों क्यों स्ट्राइक पे जाते हैं, हर एक बार वो बदल देते हैं, कभी कहते हैं राशन, अब की बार कहते हैं मैं बीजेपी के लिए क्या कहते हैं। लेकिन सरकारी साहब, इस बार जो मुद्दा था, क्या केंद्र सरकार इसको खत्म नहीं करवा सकती थी? नहीं देखिए, बिल्कुल देखिए, मुझसे पूछ रहे हैं सर, आप तो बहुत ठीक है, सावरी साहब बोली बोली। नहीं, केंद्र सरकार अगर इस तरह से, देखिए दिल्ली एक स्टेट है, प्रोटेक्टेड, पूरा स्टेट नहीं है, स्टेट उसकी सर्टेन पावर्स है, सेंट्रल सरकार का इसमें दखलंदाजी कोई नहीं है। लेकिन जब आप चुने हुए प्रतिनिधि ही, सेंटर का सर दखल नहीं है, लेकिन अगर आईएएस ऑफिसर्स की बात करें तो केंद्र से ही वो सीधा ताल्लुक रखते हैं। नहीं, आईएएस अफसर तो अभी आपके सामने आपने सुनाया था, आईएएस अफसर कोई नहीं। सावरे साहब, मजबूरी तो आम आदमी पार्टी यही कह रही है ना कि ना तो हम तबादले कर सकते हैं, ना हमारा कोई डर है अधिकारियों में, और केंद्र सरकार सब कुछ कर सकती है, दबाव बना रही है उन पर। नहीं नहीं, इसका आरोप आम आदमी पार्टी का ये है कि जो तबादले हम करें वो इनसे पूछ करके करें। देखिए, हाईकोर्ट हमारी है, सरकार हमारी है, जनता ने हमें चुना है, जनता का जवाब है। योगेश्वर जी आपके पास आएंगे सर, आइए जी। आप जब मुझसे पूछ रहे होते हैं, ठीक है सर, बोलिए बोलिए। अपना देखिए, इसका मतलब तो ये कहना चाह रहे हैं कि जिसको ये चाहें तबादला करने के लिए हमें कहें और हमें तबादला करना चाहिए। इनकी अगर नियत पे जाए तो चीफ सेक्रेटरी को घर में बुला के जो थप्पड़ मारता है उस जनप्रतिनिधि को आप क्या कहना चाहेंगे? आईएएस अपना काम कर रही है, जनता उसके बीच में ठीक है, दोनों के साथ जनता फिटती है। जनता 5 बजे से बुलाया जा रहा था, 11 AM to 12 o'clock, 12 बजे वो कहता है कि मैं 12 बजे आऊंगा, उसको कहा गया। शर्म की बात है कि आप एक आईएएस अफसर के साथ ऐसा बर्ताव करते हो, तो आपको सबसे पहले मुख्यमंत्री को उनसे माफी मांगनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये अभी हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और पहले भी जैसा लगातार से खबर थी कि आईएएस अधिकारी कोई स्ट्राइक पे नहीं है, और उन्होंने आके एक चीज क्लियर भी कर ली। आज मुद्दा, आप बात को भटकाने जा रहे हैं, क्योंकि जो कि आम आदमी पार्टी इस कला में वो भी माहिर है, और वो धरनों के लिए, खासकर मैं समझता हूं कि सिर्फ धरने ही कर सकते हैं, सरकार नहीं चला सकते। दूसरी बात, ये बहुत सारी बातें हैं, इन पर अगर हम चर्चा करेंगे तो आप उसमें कहीं भी स्टैंड नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, अहम मुद्दा आज दिल्ली के लिए पानी का है, पूरी दिल्ली पानी से त्रस्त है। आप पानी, आज आम आदमी की जरूरत पानी है, आप उस मुद्दे को छोड़ करके, और सिर्फ आपकी सरकार में काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, आप उस मुद्दों के लिए आप वहां पे जाके बैठ जाते हैं। भटकाने के लिए ये सब हो
बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो मैं स्पष्ट रूप से मैं मानता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी को जिस प्रकार से मारा गया था उसकी निंदा जितनी की जाए वो कम है, और इसके बीच में यदि नहीं मारा गया था, नहीं पीटा गया था, तो मुख्यमंत्री की जवाबदेही बनती थी कि चीफ सेक्रेटरी सबसे सीनियर ऑफिसर है, उनसे बैठ करके बात करते और इस मुद्दे को समाप्त करते। उन्होंने अभी तक मेरी जानकारी में अब कम से कम बात करने का प्रयास नहीं किया। ये भी सही है कि जो वहाँ पर दिल्ली के अंदर ऑफिसर्स का कैडर सेंट्रल है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी दबाव रहता है, इसमें भी कोई शक नहीं है, मैं उसे मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बुनियादी समस्या कहाँ पर आ रही है? बुनियादी समस्या यहाँ पर आ रही है कि किस प्रकार से इन्होंने जो है उनसे कन्वर्जेशन किए बिना आपके आईएएस ऑफिसर से, और मैंने अभी इनकी बात को सुना आईएएस ऑफिसर्स की। अभी ये कोई राजनेता तो है नहीं, हमारे ऊपर आरोप लग सकते हैं कि हम जो है हमारे स्टैंड को इधर उधर फ्लक्चुएट कर सकते हैं, इनके स्टैंड को आधिकारिक माना जाएगा और सही माना जाएगा। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा योगेश्वर जी नहीं है तो नहीं है। योगेश्वर जी आप ये बताइए कि आप पार्टी चला रहे हैं या सरकार चला रहे हैं? देखिए जी सरकार चला रहे हैं क्योंकि सर आंदोलन चलाना सरकार का काम नहीं होता, प्रशासन चलाना होता। साल में नहीं हुए वो काम दिल्ली ने तीन आम आदमी पार्टी ने तीन साल में करके दिखाए हैं। फ्री पानी क्या कांग्रेस ने कभी दिया? बीजेपी ने कभी दिया? पार्टी तो हाथ खड़े कर दी थी कि ये सारे हमारे मैनिफेस्टो में जो मुद्दे हैं उनको पूरा ही नहीं कर सकते। उनकी शिक्षा तो आप किस बात पर बात कर रहे हो कि प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स सर आपने इतना कुछ नहीं सका बीजेपी ने इन्होंने किया जो काम आपने पार्टी की सरकार ने सड़कों पर वाईफाई लगवा दिए, सबको फ्री वाईफाई दे दिया। आपके मुख्यमंत्री बीमार हो गए, अस्पताल चले गए, स्वास्थ्य मंत्री बीमार हो गए, अस्पताल चले गए, सरकार धरने पर आ गई है। सरकार को जब काम ही नहीं करने दिया जाएगा एक बार बताइए विकास कार्य आपने करवाए सर, आपने कहा इतने काम आपने करवा दिए वो कैसे काम हुए? वो काम भी जिससे हुए ऐसे लड़ के ही हुए, कौन सा नहीं हुआ बताइए। परमिशन थी तब भी कराई, बिजली पानी भी जब किया तो पानी में भी उन्होंने फ्री पानी के लिए भी पानी रोका गया हरियाणा से, कितने काम आगे क्या आम आदमी पार्टी को फ्रॉड करने के लिए। कह रहे अधिकारी क्योंकि हड़ताल पर है इसलिए काम नहीं हो रहा है दिल्ली के अंदर, ये समस्या सबसे बड़ी आ रही है। मुख्य सचिव से बात की, बहुत बार मेरी ट्यूनिंग करी, मुख्य सचिव को बुलाया गया और ऑफिसर्स को भी बुलाया जाता है हर मीटिंग में, अभी प्रदूषण के ऊपर भी बुलाया गया, पानी की समस्या पे भी मीटिंग बुलाई की, दे नेवर केम ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ एलजी। That's why एक बार बताइए, हमने रेगुलर चिट्ठियां लिखी हैं, हर 15 दिन बाद एलजी साहब को चिट्ठी लिखी जा रही है पिछले 4 महीने से कि आप इनको भेजिए मीटिंग्स में, उनका जवाब एलजी साहब ने क्यों नहीं दिया? अगर वो नहीं मीटिंग में आ रहे थे तो मुझे एक बार साफ बताइए। योगेश्वर जी सुनिए, क्या एलजी साहब ने एक बार कहा दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है? सर योगेश्वर जी दिल्ली की जनता भी बेवकूफ नहीं है, आप नहीं है, धरने पर बैठी जनता, आप धरने प्रदर्शन करते हैं, आप सुनिए ना धरने प्रदर्शन करते हैं, धारा 144 आपकी वजह से लगाई जाती है, 5 मेट्रो स्टेशन बंद किए जाते हैं, जनता को परेशानी होती है, जनता का काम हो ही नहीं रहा है, जनता को कुछ मिल ही नहीं रहा है, राशन जहाँ देना चाहिए वहाँ नहीं मिल रहा है, लोग खा रहे हैं बीच में वो जिनको सेंटर मिले हैं वो खा रहे हैं। अधिकारी कहते हैं हम औपचारिक बैठकों में जा रहे हैं, अनौपचारिक बैठकों से बायकॉट कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली हर 15 दिन बाद चिट्ठी लिखी गई है साहब को, उसका एक बार जवाब क्यों नहीं दिया गया? मुझे आप बताइए अगर अधिकारी जा रहे थे तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया? अगर वो देते ना एलजी साहब जवाब कि हाँ नहीं जी हमारे अधिकारी नहीं सर, आप ये भी देखिए अधिकारी नहीं सर, सब सारे सर नहीं उनको हक है, वो कहेंगे कहने दीजिए। योगेश्वर जी बिल्कुल आपकी आवाज सुने सर, आप हमारी बात तो सुनिए ना, आप ये देखिए ना कि अधिकारियों ने ये भी कहा है कि जो हम काम कर रहे हैं वो जो मंत्री है उनके लिखित आदेशों के मुताबिक कर रहे हैं, बिल्कुल क्या वो अपनी तरफ से कोई काम कर रहे हैं क्या? राशन डोर स्टेप डिलीवरी को पास किया हुई हमें 1.5 महीना हो गया, उस फाइल को रोक दिया गया, राज्यपाल ने रोकी है, उस पर विचार किया जाएगा। आप सब्र क्यों नहीं करते हैं? आप सब्र क्यों नहीं करते हैं? उपराज्यपाल ने रोकी है, अधिकारी ने रोकी है क्या? नहीं एलजी साहब ने रोकी क्या फाइलें? हम कह रहे हैं उपराज्यपाल ने रोकी है, उपराज्यपाल तो विचार करेंगे, सब्र कीजिए ना, विचार कितना करेंगे, 3 साल से उन्होंने समय मांगा ना, उन्होंने समय फिर से मांगा है, हर साल को कैमरा मूवमेंट सिक्योरिटी के लिए कैमरास की परमिशन मांगी गई वो नहीं दी गई। एक बार बताइए क्या अभी ये सारा कुछ शुरू हुआ है? पहले भी तो एलजी साहब होते थे और भी एलजी रहे हैं और भी पास हो रही थी, 5-5 हजार रुपए के बजट पास हो रहे थे, सिर्फ आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए क्यों रोका जा रहा है? हाँ जी सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी जो शुरू से जब से सत्ता में आई दिल्ली में वो ये कहती रही है कि हमारी जो फाइलें हैं वो रोक लेते हैं उपराज्यपाल, हम जितना भी काम करना चाहते हैं उपराज्यपाल रोक लेते हैं, बिल्कुल रोकते हैं। देखिए सावरे साहब से सवाल है, देखिए अवंतिका जी जी अभी मैं अपने मुझसे साथी से सुन रहा था कि हमने दिल्ली में इतने काम कर दिए 3 साल में, अब स्ट्राइक का चक्कर तो ये
चार महीने से ये जो बहाना करने लगे हैं, चार महीने से स्ट्राइक का पहले भी साहब क्या सुनने की आदत नहीं है। मैं इनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये पानी देने की बात कर रहे हैं, आज इनको पूछिए, आप पूछिए जल बोर्ड में इनके जल बोर्ड ने क्या किया, जिससे के इसका चेयरमैन मुख्यमंत्री है, 650 करोड़ रुपए का लोन है जल बोर्ड में, पूछिए। सावरे साहब देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी देखने की कोशिश कीजिएगा, दिल्ली राजधानी है और उस पर बहुत हद तक केंद्र सरकार का नियंत्रण तो है, तो ये बहाना जो बना रहे हैं वो ठीक भी लगता है कहीं ना कहीं। नहीं देखिए जो डिविजन ऑफ पावर है थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट ये सबके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाए। जी जी आप बोलिए। देखिए जो दिल्ली है ये एनसीटी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। यस, इसमें अंदर एलजी जो है वो डेलीगेट ऑफ द प्रेसिडेंट है। यस, जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है दैट इज अंडर सेंटर। आर्टिकल 239 ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये सारी यूटीज पे एप्लीकेबल है और आर्टिकल 239 डबल ए स्पेशली मेंट फॉर दिल्ली। LG साहब इज द एडमिनिस्ट्रेटर हैविंग ऑल द पावर्स विद एडिशनल पावर्स ऑफ लैंड, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, ध्यान से जी जी, जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के डिसीजंस हैं दे रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ LG एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर दोनों की बातों में कोई विरोधाभास है तो मैटर इज रेफर टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट विल टेक द फाइनल कॉल। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है लॉज बना सकती है लेकिन अप्रूवल उनको एलजी के ऑफिस से हर समय चाहिए। यही मजबूरी आम आदमी पार्टी बताती है। नहीं कंवल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली आज तो नहीं बनी, उससे पहले भी सरकारें चली हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने, अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी ने की, एलजी साहब भी उसी वक्त थे, मेरे एक्सपर्ट एडवाइजर्स ने यहां आपको बता दिया। पावर कहने का मतलब इनकी ना तो नीयत है, ये मुद्दों को भटकाना चाहते हैं, जो जनता जिन्होंने इनको 70 सीट दे दी उस वक्त गफरत में आके, अब ये परेशानी कहां। कई बार स्पष्ट कर चुका है कि दिल्ली में जो सुप्रीम है वो उपराज्यपाल की है, उन्हीं की अनुमति से सब कुछ होगा। क्या आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल से ऊपर उठना चाहती है दिल्ली में? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगी हुई है। आम आदमी पार्टी बार बार इस बात को लेकर आ रही है कि हमें बीजेपी सरकार काम करने नहीं दे रही, बीजेपी की तरफ से बार बार दावा किया जाता है कि ये लोग जानबूझ के मुद्दे को कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोनों की मानसिकता जो है वो दिल्ली की जनता का भूलकर सिर्फ अपने अहम की ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। उसके अलावा आपके मंत्री, आप कहते हैं कि आपके पास पावर नहीं है IAS और अधिकारियों के, आप एक मंत्री अपनी मीटिंग बुलाता है, उसके अंदर मीटिंग के अंदर आप अब्सेंट किया एक लेटर का आप वहाँ पे आउट कर देते हो कि ये रजिस्ट्री लेटर की, और आपको आपके पास यू हैव राइट, आपके पास राइट है, आप उसको कंसर्ट अथॉरिटी को आप क्यों नहीं लिखते उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, उसको छोड़ करके आप उल्टा धरने पे कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता भी इस बात को दर्शाती है कि आप लोग भी दिल्ली की जनता के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। जो आपके पास आना चाहेंगे, क्या लगता है कि एक रणनीति का हिस्सा इसे मान सकते हैं क्या, राजनीति बढ़त हासिल करने की एक कवायद है क्या? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है दिल्ली से बाहर, प्रयासरत है, तो ऐसा करके इनको काफी मीडिया तवज्जो दे रहा है। देखिए हरियाणा का मुद्दा भी नहीं है तभी हम डिबेट कर रहे हैं जी, तो यही एक बहुत बड़ी इनके लिए ये है, और इसी कारण से कहीं ना कहीं इस प्रकार का कार्य किया गया। लेकिन मेरे को हैरानी भारतीय जनता पार्टी पर भी होती है, बिल्कुल बराबर की होती है इनको यहाँ पर, क्योंकि मुद्दा जो है एलजी और चुने हुए मुख्यमंत्री के बीच का है, तो मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री कार्यालय का भी एक दायित्व बनता है कि ये कहीं ना कहीं इस मामले को सुलझाएं ताकि किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना हो। ये इनकी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, यदि राज्य के अंदर दो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, देखिए एलजी भी संवैधानिक पद है, संवैधानिक है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री भी संवैधानिक है, दो संवैधानिक व्यक्ति आपस में जो है लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच में क्लैश पैदा हो गया, वहीं पर चीफ सेक्रेटरी के पीछे जो है पूरी IAS एसोसिएशन, एक क्लैश पैदा हो गया, इसे मैं मानूंगा कि संवैधानिक एक क्लैश है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, इसे सुलटाना आज के दिन में केंद्र सरकार की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। एक चीज आपने कही कि क्योंकि अपना विस्तार आम आदमी पार्टी करना चाहती है और इसीलिए इस तरह की जो चीजें हैं वो पार्टी की ओर से करी जा रही है, जो पंजाब में हुआ सुखपाल खेरा ने जो कहा रेफरेंडम 2020, ये भी उसी का हिस्सा है। निश्चित रूप से देखिए, आप इस बात को देखिए, वहां पर पंजाब के अंदर तो आम आदमी पार्टी का किस प्रकार से उनका आधार जो है कहीं ना कहीं इनकी माफी के साथ ही कितना बुरी तरह से हिल गया था, ये हमें पता है।
तो जो इनकी जो पंजाब की लोकल यूनिट है, इनकी जो सेंट्रल यूनिट है, उसके बीच में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन रहा नहीं है। अब आप ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली से बाहर अब इन्होंने घोषणा की है कि हम हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे, इनकी घोषणा है शायद ये राजस्थान में भी चुनाव लड़ेंगे, तो दिल्ली के आसपास के एरिया में अपना तवज्जो बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर एक बातचीत दिखाने के लिए दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार से अन्याय किया जा रहा है। सौर्य साहब, जैसा कि ढुल साहब ने कहा कि नैतिक जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की बनती है, आप बताइए कितनी कोशिश की जब अधिकारी नाराज हैं दिल्ली की सरकार से और उनकी जो है सुलह करवाने में आपकी तरफ से कितने प्रयास किए गए? कंवल जी, मैं अभी सुन रहा था, मेरे इन लोग के प्रवक्ता ने कहा कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया है। नहीं, वो तो एक बहुत ही पढ़े लिखे एडवोकेट हैं, इसको मैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं कहूँगा। अभी व्याख्या हमारे कोहली साहब ने बड़े दूध का दूध पानी का पानी करके दो मिनट पहले रख दिया गया था, शायद ढुल साहब सुन नहीं पाए थे, कोई देख रहे होंगे, व्हाट्सएप देख रहे होंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये क्राइसिस नहीं है, ये ईगो, चीफ सेक्रेटरी अगर कोई मंत्री उसको माफ, अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ तो मेरी बात सुनिए, आप केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करके इस मामले को आसानी से सुलझा सकती है, जो नहीं किया जा रहा है, इसका फायदा हो रहा है आम आदमी पार्टी, इसका फायदा आप आदमी पार्टी को सुनू के प्रधानमंत्री आपके पास आएगा, पूरा मिलेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये नैतिक दायित्व केंद्र सरकार का बन जाता है कि दो अगर ईगो में लड़ रहे हो, तो मैं तो यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि जब दो ईगो, मैं वेरी कॉमन सड़क पे लड़ने वालों आदमियों की बात करता हूं, एक आदमी दो लड़ाई, मैं एग्जांपल दे रहा हूं 30 सेकंड में, दो आदमी लड़ रहे हैं और एक ने गलती कर दी तो दूसरा अगर माफी मांग लेता है तो वो काम में को भी। अब केजरीवाल ने सब लोगों से तो माफी मांग ली, अरे चीफ सेक्रेटरी जो बहुत सीनियर आईएएस अफसर होता है उससे माफी क्यों नहीं मांग लेते कि भाई गलती हो गई मेरे से, तो फिर सारा का सारा माफी मांग लेते हैं। सुरक्षा जो है अधिकारियों को दी जाएगी अगर वो वापस लौट आते हैं, इसी पर भी हम जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे। तो दिल्ली सरकार धरने पर है, हाईकोर्ट ने कहा है कि आपको कैसे अधिकार है किसी के दफ्तर में जाकर धरना करने का, और इसको लेकर जो है दिल्ली की जनता भी नाराज से दिखाई देती है, काम नहीं हो रहे दिल्ली में, सरकार नहीं चल पा रही है, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपके पास आना चाहेंगे वकील साहब, जिस तरह से मजबूरी बताती है, आपने भी कहा कि राज्य की जो तीन प्रमुख शक्तियां केंद्र के पास है दिल्ली की बात करें, पहली सुरक्षा है यानी कि पुलिस, दूसरी प्रशासनिक अधिकारी यानी कि नौकरशाह, और तीसरा आपने बताया था भूमि नियंत्रण। अब कानूनी तौर पर यह बताइए कि क्या देश की राजधानी को किसी राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जा सकता है क्या? देखिए, क्या रखा जा सकता है ये सवाल नहीं है, ये है, जब तक ये कानून बदलते नहीं तब तक ये कानून है, लॉ इज लॉ अंटिल चेंज्ड। आज के दिन की जो पोजीशन है वो यही पोजीशन है, इसको हम नकार नहीं सकते, वी कैन डिबेट ओवर इट बट वी कैन नॉट डिसाइड अगेंस्ट इट, जो लॉ आज है वो रहेगा। दिल्ली के अंदर एक और एक्ट है, उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। इसके दो सेक्शन हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, सेक्शन 18 एंड सेक्शन 14। ये वही विरोधाभास है और ये वही क्लेरिफिकेशन है या ये ओवरलैपिंग है। सेक्शन 18 जो है ये डील करता है एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स के साथ। सीएम और एनी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉज, कोई भी कानून बना सकते हैं फॉर द एंटायर और सम पार्ट ऑफ द दिल्ली विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर जो स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में आता है। देखिए, तीन तरह की लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जिसमें सिर्फ स्टेट फैसला ले सकता है, सेंट्रल लिस्ट जिसमें सिर्फ सेंट्रल फैसला लेता है, कंकरेंट जिसमें दोनों पावर्स हैं, दोनों लिस्ट हैं। तो दिल्ली के एमएलएज के पास एक कानूनी पावर है किसी भी डिसीजन को लेने की जो कि मैटर स्टेट लिस्ट या कंक्रीट लिस्ट में आता है। सेक्शन 44 जो है वो इसी के अंदर एक और लेकिन एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, वो ये कहता है सीएम और एमएलए दे विल एड एंड एडवाइस, वो सिर्फ एड और एडवाइस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर को इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस इन रिलेशन टू द मैटर्स रिस्पेक्ट टू व्हिच लेजिस्लेटिव असेंबली को लॉ बना रही है। लेकिन इसके अंदर एक कैच है, वो ये है, एलजी विल एक्ट एज पर हिज डिस्क्रिशन। सो ले देकर क्या है, जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं दे कैन ओनली एक प्रपोजल लेके जा सकते हैं जी।
अब उस पे फाइनल जो अथॉरिटी है वो कानूनन एलजी ही है जी। अब इस बात को दोनों पार्टियां समझती भी हैं, मानती भी हैं और नकारती भी हैं। सेंटर में एक पार्टी है, स्टेट में एक पार्टी है, वो दोनों की आपसी लड़ाई के अंदर जो काम होने चाहिए थे वो हो नहीं पा रहे। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम, वो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे। योगेश्वर जी, आप उम्मीद लगाए बैठे हैं केंद्र सरकार से कि वो जो है नैतिक जिम्मेदारी निभाकर जो ये जो आपका झगड़ा है अधिकारियों का दिल्ली सरकार का वो सुलझाए। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल मोदी को, पीएम को तानाशाह कहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा, हमारा जो धरना है वो अपने लिए तो नहीं, जनता के कामों के लिए है ना। पहली बात, वहां गए तो उनको क्या किया, 40 डिलीवरी जो होम डिलीवरी डोर स्टेप पे देनी थी उसकी फाइल है। दूसरी, राशन एट द डोर स्टेप देना था उसकी फाइल है। क्या उन्होंने हमने अपने पार्टी नेताओं के घर देना है? क्या सिर्फ हमने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर देना है? दिल्ली की पूरी जनता को उससे फायदा होना है, खाली एक किसी पार्टी को नहीं होना। जब पूरी जनता को फायदा होना है तो ये दायित्व बनता है एलजी का कि एक अच्छा काम, अगर प्रपोजल अच्छा अप्रूवल जब कैबिनेट में पास कर दिया गया और एक चीफ मिनिस्टर ने अप्रूवल दे दी तो उसको लागू किया जाए। लेकिन एलजी ये करना नहीं चाहते, क्यों नहीं करना चाहते, यही तो सवाल है हमारा। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है सर, उपराज्यपाल की मजबूरी को आप बता के हरियाणा पर भी नजर गड़ाए बैठे हैं। देखिए, हरियाणा पे दीजिए, हम करके दिखाएंगे बढ़िया काम। ऑब्वियसली हमने दिल्ली में किया, हम पूरे देश में करके दिखाएंगे। अच्छा काम आप दिल्ली की जनता से पूछिए। विस्तार तो इसके पीछे, विस्तार करना मकसद नहीं है, इसके पीछे अभी हमने अभी यहाँ की चुनाव एक साल बाद है। ये बात तो पंजाब में भी कही थी आपने, हम यहाँ पे अच्छा करेंगे। पंजाब में पंजाब में भी आज हम विपक्ष में बैठे हैं, ऐसा नहीं है। पंजाब में तो चार साल पुरानी पार्टी है, विपक्ष में है, वहाँ पे तो अच्छा करते हैं। और दूसरी बात, दिल्ली में जितने काम हमने करे हैं ना कांग्रेस ने किए ना बीजेपी ने करे जी। चलिए, बीजेपी इसके केजरीवाल की ओर से या हम कहीं आम आदमी पार्टी की ओर से तैयारी है विस्तार करने की, अब वो उस दिशा में आगे भी बढ़ रही है। समर्थन जो है कई पार्टियों का मिल भी रहा है, शिवसेना का समर्थन मिल गया है, जेडीयू का समर्थन मिल गया है जो कि बीजेपी की साथी है, एनडीए का हिस्सा है। इसके अलावा दूसरी और पार्टियां हम कर ले, ममता बनर्जी, पी विजयन जो है वो भी पहुंचे थे, एचडी कुमार स्वामी, चंद्रबाबू नायडू सभी पहुंचे, तीसरा मोर्चा बन रहा है, कांग्रेस तो सबको साथ लाने की तैयारी में थी। देखिए, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि अभी इस बात में कि आम आदमी पार्टी तीसरे मोर्चे में जा रही है नहीं, कि अलग विषय है। अलग विषय इसलिए भी है क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और तीसरे मोर्चे की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं है। और अगर हम बात करते हैं, नहीं, बनता हुआ तो दिख रहा है क्योंकि कांग्रेस यहां पर तो आपको दिखाई कांग्रेस यहाँ पर तो इस धरने का विरोध करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जब कैराना में चुनाव होते हैं तो साथ में खड़े होते हैं, जब विधानसभा में सरकार बनती है पहले तो भी साथ में खड़े होते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल कहीं हम कहीं भी हम साथ खड़े नहीं होते। हमारे जो मतभेद हैं वो बिल्कुल आज भी बरकरार है। और जहां तक हम सिर्फ हम जो भारतीय जो कांग्रेस पार्टी है, हम सिर्फ दिल्ली की जनता के हितों की बात करते हैं। आप बार बार आईएएस के अभी अभी नहीं, बिल्कुल अभी कोई साथ की बात नहीं है। जो जनता के मुद्दे होंगे अगर किसी पार्टी के, हमें साथ देने के और लेने की जरूरत है। जनता के हित के लिए हम कहीं ना कहीं कोई समझौते हुए बात करते हैं, लेकिन नहीं है, नहीं नहीं, आप बता दीजिए मुझे, आप मुझे अगर आप बोलते हैं आप मीडिया में कि नहीं ये जनता के हितों का काम नहीं है तो ठीक है, बिल्कुल भी जनता के हितों का काम किया ही नहीं। आप हमारे साथ जनता से मिला दे पा रहे हैं, जनता के लिए धरने पे क्यों नहीं बैठे आप? हमने के लिए नहीं बैठे हैं आप? जनता के लिए बैठे हैं, जनता को बुलाते हैं, जनता के कामों के लिए नहीं बैठे हम जनता के मुद्दे के कहते हैं डिबेट नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ आपको, जनता का हित होगा हमने वहाँ जरूर साथ दिया होगा। क्या जनता का हित था या सत्ता का लालच था? क्योंकि इससे पहले जब दिल्ली में सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की, तब भी कांग्रेस ने साथ दिया था। नहीं नहीं, कोई बिल्कुल ऐसी 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 मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है जी।
जी दोबारा रिपीट कीजिए, क्या ये जनता का हित की बात है या फिर सत्ता का लालच है? क्योंकि इससे पहले जहां जहां पर भी अगर हम देखें केरला में चुनाव हुए तो एक साथ जो है चार पांच पार्टियां हैं जिसमें आम आदमी पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थी, साथ में थी वो कैंडिडेट के साथ में। इसके अलावा जब पहले दिल्ली में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की तो कांग्रेस ने साथ दिया था। देखिए कहीं ना कहीं देखिए स्पष्ट रूप से कितना हमारा कहना है कि तीसरा मोर्चा बनना जो है आज के दिन में समय की आवश्यकता है, लेकिन उस चीज की जगह हम इस चीज के ऊपर कंसंट्रेट करें कि वर्तमान संवैधानिक क्राइसिस को हम किस प्रकार से समाप्त करेंगे और क्या इसमें आम आदमी पार्टी की राजनीति भी है और क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि आम आदमी पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी दोनों की दोनों अपनी अपनी जगह पर राजनीति खेल रही है और इस मुद्दे को लगातार बढ़ाया जा रहा है बजाय इसके कि इसे समाप्त किया जा सकता है, इसे बड़े आराम से समाप्त किया जा सकता है। नहीं तीसरा मोर्चा तो हम तो बना ही रहे हैं, हम तो हमारी तरफ से वैसे भी घोषणा की जा रही है, हमारी तरफ से हमने तो घोषणा कर दी है हमारी तरफ से। तो अब ये है कि उसके अंदर कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी कौन सी नहीं आएंगी उस भविष्य के अंदर पता लगेगा, उसके बारे में आज कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारी तरफ से हम घोषणा कर चुके हैं गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई हमने इस धरने के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि पहली बात जो है जिस प्रकार मुख्य सचिव की पिटाई हुई थी अभय सिंह जी ने पहले ही कहा था इनकी इनके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो, और दूसरी चीज ये है कि हम स्पष्ट रूप से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार इंटरवीन करके और इस धरने को समाप्त करे। सनवारे साहब राजनीति तो आप भी कर रहे हैं, आप भी धरने पर बैठे। देखिए साहब मैं वहां अपोजिशन में हूँ और जब जनता का नुकसान होता होगा तो अपोजिशन की ड्यूटी बनती है कि वो आवाज उठाए। मैं उस चीज का राशन पहुंचाना जनता का काम नहीं है, हैरानी की बात है। इनकी आदत ही नहीं है, ना तो इनको कहीं जी करके बोलना आता है ना कोई तरीका। आपने टोका था अभी इनको, मैं हाथ जोड़ के कहना चाह रहा हूँ या तो मत सुनो मैं चुप बैठ जाऊंगा। अब ये कहिए अभी हमारे पास एक्सपर्ट एडवोकेट बैठे हैं इन्होंने बहुत, मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा चलाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन के तीन हिस्से होते हैं, एक जुडिशरी होती है, एक लेजिस्लेटिव होती है, एक ब्यूरोक्रेसी होती है। लेजिस्लेटिव का काम है कि वो एक्ट बनाती है जनता के फायदे में गिवन दायरे में, और ब्यूरोक्रेसी का काम है कि उसको exactly. लेकिन उनकी काम जो है कानून बनाने के बाद इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते। ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल आपकी सरकार में कह सकते हैं हम, केंद्र सरकार के, जब केजरीवाल ने कह दिया संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा की गारंटी हम देंगे, तो क्यों अब केंद्र सरकार बीच बचाव में आकर क्यों अधिकारियों को नहीं कहती है कि आप रूटीन मीटिंग में आइए? आपके अपने मुखर हो गए आपके खिलाफ, जेडीयू की बात कर ली या शिवसेना की बात कर ली। मैं वही बताना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि सिक्योरिटी हमारी जिम्मेवारी है, तो मैंने अभी जब डिबेट खुली थी उस वक्त ये कहा था कि केजरीवाल हेड है, जब फैमिली का जो हेड होता है अच्छा काम होगा तो भी उसी का नाम होगा, बुरा काम होगा तो भी उसी का काम होगा। अगर वो सब जगह माफी मांग लेते हैं जा जा करके, यानी तब हस्तक्षेप करेंगे आप? हमने करने की जरूरत नहीं, वो चीफ सेक्रेटरी साहब से बात। मानेंगे दिल्ली में गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके जो साथी हैं एनडीए में वो तो मानते हैं कि गलत हो रहा है दिल्ली में। मैं तो उसमें जो अभी एक्ट एडवोकेट साहब कोहली साहब ने बोला उसमें गलत और ना गलत कहने का तो इम्प्लीमेंट तो नहीं हो रहा जी। इम्प्लीमेंट तो करने रूल बना रही है, ब्यूरोक्रेसी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। आपका सीएम क्यों नहीं माफी मांग लेता? किस बात की माफी जब कोई गलती हुई नहीं है तो? सब लोगों से पंजाब में कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, कोर्ट उसका फैसला लेगी। माफी मांग ले कोई भी, अगर ठीक है पहली बात तो गलती कोई हुई नहीं, दूसरी बात तो मैटर इज इन द कोर्ट, कोर्ट हैज टू डिसाइड हाउ मैटर गो। गलती कहीं पर हुई ही नहीं, उस आधी रात को जब मुख्य सचिव घर पर बुलाए गए उसके बाद में जो बवाल हुआ दिल्ली में वो सबने देखा है। वो पूरा प्रोपेगेंडा था बीजेपी का, मैं आपको बताऊं। मैं कहना चाहूंगा एक बात, मैं कहना चाहूंगा सुनिए मेरी बात, मैं कहना चाहूंगा सवाल ये कि अब क्यों मीडिया के सामने आकर अरविंद केजरीवाल को कहना पड़ रहा है कि सुरक्षा दी जाएगी, यानी गड़बड़ थी पहले? ये नहीं बोला उन्होंने कि गड़बड़ थी इसलिए सुरक्षा दी जाएगी, तो उन्होंने ये कहा कि आप आइए तो सही, सुरक्षा की जिम्मेवारी हम लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? हाँ ये बोला गया है, वो नहीं आने आओ तो सही, हम बिल्कुल वो करते हैं। अवंतिका जी उन्होंने पानी की बात की, बिजली की बात की, बड़े बड़े झंडे। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ आपके जल बोर्ड के चेयरमैन कौन है? नहीं उससे क्या फर्क पड़ रहा है बताइए ना आप, अगर नहीं बताते तो आपके चेयरमैन जल बोर्ड के श्री केजरीवाल जी हैं। हाँ, बिल्कुल है, और आज 650 करोड़ का घपला
उस जल बोर्ड में हुआ हुआ है जिसको ये पानी देना चाह रहे हैं। पीडब्ल्यूडी में हुआ होगा इनके, तो ये सीबीआई आपकी है, सीबीआई हमारे है, एक्शन लीजिए ना, एक्शन लेंगे, सारे ड्रामा बंद कीजिए, सारे 3 साल से आप रोड फाइल नहीं खदा आपके 20 जेल सीबीआई आप हमारे दफ्तर भेजते हो, आपके 20 करके तो दिखाओ, कम है तो करके दिखाइए रे साहब के पास, अगर इतना ही आप कहते हैं सबूत है आपके पास, पहले तो आपके पास भी बहुत सारी थी, आप माफी खान जी आप प्रूफ करिए तो सही, पुनिया साहब के पास सही है, पुनिया साहब के पास ठीक है, साढ़े 3 साल से आप सीबीआई को चलो जी, आप एक बात को 3 बार मत दोहराएं सर, 3 बार मत दोहराएं, सुन लीजिए। हां जी पुनिया साहब, क्या लगता है कि आरोप प्रत्यारोप खुले चल रहे हैं, बातचीत की संभावनाएं लगती हैं क्या? देखिए मैं मानता हूं कि दोनों पक्ष कतई अपने को नीचा करने के लिए तैयार नहीं है, और ये गतिरोध क्यों पैदा हुआ? आप बार बार कह रहे हैं कि आईएएस लोबी जो है धरने पे बैठी है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है उन लोगों का सांकेतिक धरना था, वो हर रोज 5 मिनट का धरना देने के बाद अपना फुल डे वर्किंग करते रहे, वो भी बिल्कुल, और आप फुल डे आप वर्किंग कर रहे हो, और आप उसको एक ऐसी बात को आप खड़ा करना चाह रहे हो जिसका चिल्लाने से बात दबेगी नहीं, पहले आप बात सुनिए, उसके अलावा आप चीफ सेक्रेटरी को बुलाते हैं ठीक है, उनके एक बात है, वो रात को भी अपना वर्क छोड़ के आपके चीफ मिनिस्टर के पास को रात को भी काम करने आपसे बात करने आ रहे हैं, तो रात को 12 बजे भी आपके पास एक सेक्रेटरी, लेकिन वो वर्क खत्म करने वो रात को 12 बजे भी काम करने आपके पास आ रहे हैं, आपके पास रात को भी 12 बजे जब वो काम करने बात करने के लिए आ रहे हैं, तो इसका आपका गतिरोध के साथ में उस दिन क्या हुआ आपके थे वो अधिकारी अगर सामने आकर मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं हमारा कोई धरना नहीं है, और तो आप क्यों नहीं रहे आप बताइए ना, उनके अधिकारी बात बताइए, हम हर 15 दिन बाद मैं आपका जवाब लॉजिकली दे रहा हूँ, आपको लॉजिकल जवाब दे रहा हूँ, हर 15 दिन बाद सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी जा रही थी कि आईएएस ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट करिए कि वो मीटिंग्स में आए, क्या चीफ सेक्रेटरी ने एक भी चिट्ठी का जवाब दिया? अगर अधिकारी आ रहे थे तो ये पीठ व्हाई डजंट आंसर इन अ सिंगल लेटर ऑफ आवर्स कि नहीं, अगर अगर चीफ सेक्रेटरी हो मीटिंग में नहीं आ रहे थे, आपने आपने कंसल्टेंट मुझे कार्रवाई के लिए मुझे वक्त दीजिए, मैं उनको समझाऊंगा, आप बताइए ना, अगर अगर चीफ सेक्रेटरी मीटिंग में नहीं आ रहे थे, उस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी नहीं आ रहे तो क्या चीफ मिनिस्टर ने कंसल्ट अथॉरिटी को लिखा? लिखा है एक साधारण सा सवाल है, आप मैंने फिर से कहूंगा ये बात कि खुला आरोप आप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ से पलटवार भी हो रहे हैं, उपराज्यपाल पर सीधा आप आरोप लगाते हैं काम करने नहीं दिया जा रहा, केंद्र सरकार पर लगाते हैं, बिल्कुल समाधान कहां से होगा सर, जनता तो समाधान जनता तो कह रही है कि इसका तो कोई खात्मा ही नहीं होगा, काम करने आए हैं जनता के लिए, आप चाहते हैं वोट पर नजर आ रही है, आपकी वोट पर नजर है, वोट पे बिल्कुल नजर नहीं है, आपकी अदालत पर नजर है क्या, वोट लेने आ रहे थे सेक्रेटरी को जनता के काम के लिए बुलाया था या आप सरकार नहीं दे पाई दिल्ली को एडवर्टाइजमेंट के लिए रास्ते बुला रहा, बता दीजिए जो काम कर पाए हैं उनको कौन सा अप्रूवल मिल रही है, आप बताइए ना, राशन डिलीवरी को अप्रूवल मिली वो तो जो अधिकारी है वो कहते हैं कि हम औपचारिक बैठकों में जा रहे हैं, अनौपचारिक बैठकों में हम नहीं जा रहे, औपचारिक बैठकों से हमारा कोई बायकॉट नहीं है, जो आम आदमी पार्टी है वो कहती है कि यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा जो है चलाया जा रहा है, क्या लगता है कि असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, क्योंकि चुनाव पास में है, मुद्दों पर बोलने के लिए नहीं बचा होगा? देखिए बड़ा दुखद लगता है कि अधिकारियों के साथ में सरकार का क्लैश, क्योंकि ऐसा मैंने आज तक कभी सुना नहीं, सरकार चाहे ऐसा बहुत बार हुआ है, दिल्ली के अंदर अलग सरकार और केंद्र के अंदर अलग सरकार, लेकिन इस प्रकार जो है अधिकारियों के बीच में कोई क्लैश हुआ हो ऐसा कभी हमने देखा नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मेरा अधिकारियों का वर्जन जो है, अब बात को समझिए, अधिकारियों का जो ऑफिशियल वर्जन है वो आ चुका है, हमें उसको सही मानना पड़ेगा, एक लाइटर साइड पे बात है, और कुछ होना हो नॉट एज अ लॉयर आई एम स्पीकिंग दिस, और कुछ होना हो आपके इस मुद्दे पे बीजेपी और कांग्रेस एक साथ लेकिन हमने भी कभी नहीं देखा, मेरा ज्ञान है कि कोई मुख्यमंत्री धरने पर बैठा हो, शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तो उम्मीद यही होगी कि दिल्ली की जनता ये उम्मीद करे कि जो ये
गतिरोध है वो खत्म हो, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल तो दिखाई नहीं देता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ दिल्ली की राजनीति में देखने को मिलता है। बिल्कुल, नजर इसी पर बनी रहेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।